ओके, तो काफी सारे लंबे चौड़े इंतजार के बाद कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड मूवी चंदू चैंपियन का ट्रेलर हमें कल फाइनली देखने को मिल गया, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जिसके अंदर मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा कार्तिक आर्यन की, लाइक बॉय ओ बॉय, इस बंदे ने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो सही मायनों में काबिलियत तारीफ है। एंड ये चीज हमें सिर्फ उसे पोस्टर देख के क्लियर होने लग गई थी, लाइक उन्होंने जिस हिसाब से बॉडी बनाई है, जैसे वो खड़े हो रहे हैं, सिर्फ एक पोजिंग वाली बात नहीं होती बल्कि एक एटीट्यूड वाली बात होती है, एंड दैट टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि एक मिलिट्री वाले इंसान के अंदर तुम्हें आमतौर पे देखने को मिलता है। बाकी अगर ट्रेलर के एस्पेक्ट्स की बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं एंड ऑल्सो प्रॉमिसिंग भी। स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टोरी, जो कि देखा जाए तो मुरलीकांत पेटकर की लाइफ के ऊपर आधारित है, हु इज अ वॉर वेटरियन जिनके ऊपर 9 गोलियां चली थी। डिस्पाइट उसके उन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता एंड ऑल्सो पद्मश्री से भी सम्मानित है वो। तो उनकी लाइफ के ऊपर मूवी बन रही ये अपने आप में काफी ज्यादा प्राउड वाली बात थी एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये मूवी। एंड एज अ रिजल्ट इसे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग डायरेक्टर कबीर खान जो है वो भी हैंडल कर रहे हैं, जिनके ऊपर मैं कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि यार बंदे ने ज्यादातर मूवीज जो बनाई हैं वो एक्चुअली में अच्छी निकली हैं। लगे एक था टाइगर बजरंगी भाईजान एंड अभी हाल ही के अंदर 83 आई थी, वो बात अलग है कि उन्होंने ट्यूबलाइट बनाई थी, डिस्पाइट इसके कि वो एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, बट फिर भी आई कैन गिव अ पास क्योंकि ये एक्चुअली में प्रॉमिसिंग लग रही है। बाकी हमें कार्तिक आर्यन का मैजिक इसके अंदर फॉर श्योर देखने को मिलता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा शानदार है, उनकी लाइफ के अलग अलग फेजेस को जो हमें दिखाया जाएगा वो भी मेरे को लग रहा है कि हाँ यार काफी ज्यादा अच्छे तरीके से टर्न आउट होगा, क्योंकि एक तो बच्चा होते हुए उन्हें मोटिवेशन मिल रही है, उसके बाद एक्चुअल दंगल के टाइम पे जो उनकी बॉडी है वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, एंड ओलंपिक्स के लिए जो उन्होंने बॉडी बनाई है स्पेशली बॉक्सिंग के लिए, उसकी एक एनाटॉमी जो है वो मतलब दंगल वाले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक चीज को लेके मेरे को थोड़ा सा अटपटा लग रहा था स्पेशली लास्ट वाले सीन के अंदर, जो कि उनका एक्सेंट था। आई थिंक इसे पकड़ने के अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो कार्तिक आर्यन का नेचुरल एक्सेंट नहीं है तो वो थोड़ा बहुत अटपटा लगता है, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा है। एंड उनके अलावा हमें विजय राज एंड राजपाल यादव भी देखने को मिलते हैं, तो यार इन्हें देखना भी ऑफकोर्स एक ट्रीट फॉर वॉच है। बाकी इसका बीजीएम काफी ज्यादा सॉलिड नजर आ रहा है, एंड हाँ यार मैं इसे देखने के लिए पर्सनली वेट नहीं कर सकता, 14 जून को आ रही है, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट। बाकी यही था मेरा ओपिनियन इसके ट्रेलर के रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना, एंड टिल देन बाय।